दर्शकवीन नमस्ते। प्रदेश नंबर दो के प्रदेश सभा से प्रदेश के नाम, प्रदेश के राजधानी दोनों के एक प्रकार से टुंगो लाग गेल छे, काल राजपत्र में प्रकाशित भ चुकल छे, मुदा असंतुष्टि के स्वर सब भी दिखाई दै छे। मधेश आंदोलन जे 15 वर्ष पहिने भेल रहे, वो मधेश आंदोलन मधेश सत्ता के स्थापना करे के बात करे रहे। मधेश केंद्रीय दल अई मामला में प्रसन्नता अपना के व्यक्त करे छे जे हम सब जे आंदोलन के भावना रहे ओई भावना के प्रतिनिधित्व के लिए, मुदा वही क्रम में तमाम असंतुष्टि सब दिखाई दे छे। या सब तमाम विषय वस्तु के जोड़ कर आई हम सब संवाद करब, बातचीत करब जीवनाथ चौधरी संगे। जीवनाथ चौधरी मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष छथि और मैथिली या मिथिला के एकटा अभियान, मिथिला राज्य के एकटा अभियान ओई के अगुआ। सबसे पहले स्वागत करी चौधरी जी के। धन्यवाद। कत अहाँ सब पिछड़ गेलिए? नहीं, हम सब पिछड़ल नहीं छी अहाँके। हमरा सब लगे कि अब हम माने अभी के जे स्थिति छै, परिस्थिति छै, अब मधेशवादी दल सबके एकटा प्रजातंत्र में की होइ छै अहाँके कि बहुमत के, यदि अहाँके माने 25 टा अहाँके यदि साधु छै आ 100 टा यदि अहाँके बेईमान छै अहाँके, तो 100 टा बेईमान के जकर बहुमत छै ओकर जीत भए जाइ छै। प्रजातंत्र के अर्थ अहाँके से भेल अहाँके, ओहिमे 25 टा नीक छी ओहिसँ कोनो मतलब नहि छै। तऽ ई अंक गणितीय खेल में हमसब पछाड़ी पड़ गेल छी। हमरा सबके मुद्दा अहाँके स्थापित छै, हमरा सबके ई बहस अहाँके अभियान आ एकर विरोध ई सब चलित रहतै अहाँके, नहीं नहीं ओहिमे हमसब किनको अहाँके अपनाके हतोत्साहित नहि भेल छी। आ हमरा लगे कि हमरा सबके अंततः ई कोनो किनको कहलासँ माने एकटा देखैत होबै जे हमरा सबके मिथिला वास्ते कहबै तऽ कोनो राजनीति अहाँके मिथिलाके नामसँ कोनो राजनीति कोनो दल नहि छै। तऽ मिथिला स्वयं एकटा सभ्यता छै अहाँके, एकटा इतिहास छै, एकटा पहचान छै। तऽ लागि हमसब तऽ बुझै छी कि छै जब जनकपुर धाम भेलै तऽ मिथिलेके राजधानी छै, अभी आब मधेशके नयामे मधेशके राजधानी अहाँ सब कहि दियौ तऽ अलग बात छै, अहाँके मधेशवादी दल सब कहि दै तऽ अलग बात छै, लेकिन हमसब अभियो बुझै छी कि मिथिलेके राजधानी जनकपुर धाम छै। संतुष्टि लेनाइ ठीक बात छै? नहि नहि, संतुष्टि नहि, हम तऽ ई हम ई कहै चाहै छी अहाँके जे कहीं ना कहीं मधेशवादी दल सब पिछड़ि गेल छै। अहाँ सब पिछड़ गेल छी? नहि नहि, मधेशवादी दल सब पिछड़ि गेल छै अहाँके, एहि दुआरे अहाँ सब पिछड़ गेल छी कि अहाँ सबके बुझल रहै जे अंकगणितीय मधेश प्रदेश के पक्ष में जा रहल छै, तऽ अहाँ सबके अग्राधिकार लेबक चाही, तऽ अहाँ सब अग्राधिकार छोड़ि कऽ अहाँके पुरनका जे चिंतन रहै, पुरनका जे पद्धति रहै, ओही पर अहाँ अलझल रहि गेली? नहि नहि, हमसब एना छी, हमसब नहि अहाँके हमर हमसब अलझल रहि गेली अहाँके, हमर सबके स्पष्ट छलै अहाँके जे खास कऽ 8 जिला 8 जिलाके 6 जिला अहाँके सप्तरीसँ लऽ कऽ आ लगभग लगभग अहाँके हम तक 12 तक लऽ सिमरगढ़ तक लऽ ई मिथिलाके भूभाग छै। मधेशके भूभाग तऽ अहाँके 22 जिलाके छै। हम तऽ ई कहलाइ चाहब जे मधेशवादी दल सब जे अपनाके तथाकथित मधेशवादी दल सब कहै छै अहाँके कि हमसब मधेशके लागि पूरा हाँकि जाइ छी, तऽ हुनका सबके अहाँके कहीं ना कहीं हार भेल छै जे 22 जिलाके लागि आंदोलन कैली 8 जिलामे। नहि नहि, हमसब हार नहि कऽ देली अहाँके, अहाँसब हार कऽ देली जखन संविधान जारी करैत रहै तऽ 22 जिलाके समेट कऽ जारी होबय वाला संविधान के अहाँ सब 8 जिला में सीमित कर दलिए। अहाँ सब चाहलिए जे कोनो प्रकार से मधेश आंदोलन दंडित भ जाय, अपहेलित भ जाय, अपमानित भ जाय। हम सब चाहलिए अहाँके मधेशवादी दल जे अपना के कहै छी मधेशवादी दल के नेता छी अहाँके, ओ सब अपने आप के अहाँके माने सत्ता के पछाड़ी ओ सब समर्पण पूरा कर देलखिन अहाँके। यदि हुनका सबके अइ के स्वीकार करे के रहै, नै हम तऽ बुझै छी स्वीकार कर लेलखिन अहाँके, 8 लाख स्वीकार करने छथिन अहाँके, ओहि के मानि के ओ सब सत्ता में गेल छथिन। बार बार कहियो अहाँके महंत ठाकुर जाय के माने पार्टी जाय, कहियो अहाँके उपेन्द्र यादव के पार्टी जाय, अहाँके कोन कोन पक्ष तऽ सत्ता में गेल छै, अभियो अहाँके उपेन्द्र यादव के पार्टी अहाँके सत्ता में पूरा गेल छै अहाँके, तऽ अहाँ सब ओहि 8 जिला के मानि के जाइ छियै, फेर कभी विरोध करबै? इहो बात हुनका सबके नहि छै अहाँके। दोसर बात अहाँके जे अपनाके मधेशवादी दल अहाँ कहै छियै, अहाँके अपना पार्टी के नाम से मधेश शब्द हटा दै छी अहाँके, ओ तऽ मधेश से अहाँके मधेश कहमे अहाँके लाज लगैए, बुझलिए, हुनका अपनो पार्टी में मधेश रहक चाही। नहि, अहीं अपनी पार्टी बना लिए ना, तऽ नेपाली कांग्रेस के मिथिला पार्टी बना लिए? नहि नहि, हम नहि मिथिला बनबे करती, नेपाली मिथिलाके लागि कोनो पार्टी बनाबे के जरूरी नहि छै अहाँके, मिथिला तऽ प्रत्येक पार्टी के प्रत्येक मात्र पार्टी बना, हम मधेश लागि मात्र पार्टी बनाबे जरूरी छै। मिथिला तऽ अपने आप में अहाँके लगभग 5000 वर्ष के पूरा इतिहास छै अहाँके, एकर अपन सभ्यता छै, एकर अपन पहचान छै, वेशभूषा छै अहाँके, संस्कृति है, एकर अपन भाषा छै अहाँके। वास्तव कहबै तऽ मधेशके तऽ किछु नहि छै, मधेशके नहि संस्कृति छै, नहि ओकर इतिहास छै अहाँके। आब पहाड़के निचका भाग जे भेलै से जे समतल भाग छै ओकरा मधेश कहै छै अहाँके, तऽ ओ मधेश भूभाग तऽ सभटा छै अहाँके, इंडियोके पहाड़के नीचाके पहाड़के जे निचा भाग छै ओहिके लोक मधेशे कहै छै। मधेश तऽ इतिहास निर्माण करै छै, निर्माण भेलै? नहि, अभी तऽ एकटा अहाँके आन्दोलन, मधेश आन्दोलन 62-63 के आन्दोलन, एकटा
मधेश के इतिहास के नया इतिहास के निर्माण कल के नहीं नहीं इतिहास के निर्माण तो की कल के ना छे अब एक हिसाब से तो वास्तव कहबे तो अहाँ के केंद्रीय सत्ता से अहाँ के अतक के मधेश कहियो तराई कहियो एत के बासिंदा तो अहाँ के पीड़ित छिदे अहाँ के अभियो अहाँ के अभियो ऐसे को मधेश प्रदेश भ गए तो ऐसे अहाँ के उन्मुक्ति मिल गए से बात नहीं चाहे सब अधिकार भेट गए से बात नहीं है अधिकार अभियो नहीं भेटल उ मात्र हम अपना के मधेशिये कहब कल तक उ मधेश शब्द अहाँ के मधेशी शब्द गाली लगे चलिए ये अहाँ के कहे चलिए अहाँ के गजनारायण सिंह चाहे उपेन्द्र यादव कहे हमरा सबके मधेशी कहिए मरसिया कहिए धोती कहिए आई उहे हमरा सबके गर्व लगे छै हम सब उहे गाली शब्द हटाबे लागि चाहे छलियै अहाँ के जे ई मधेशी शब्द कैला गया अहाँ के हम सब दिन अहाँ के जे पहाड़ी सब अहाँ के हमरा सबके काल्हि तक मधेशी मधेशी के गाली पड़ चल हम सब वही मधेशी के स्वीकार कर लेली हम सब वही गाली के स्वीकार माने गाली के अहाँ के स्वीकार कर लेली अहाँ के तो हमरा सबके लगे छलै कि वास्तव में ई मिथिले के भूभाग छै लेकिन अभी मधेशवादी दल सबके एक छलै अहाँ के जेना अहाँ के संविधान के स्वीकार कर के गेलै अहाँ के मधेशवादी दल सब अपना के जे कहै छथिन अहाँ के तेन हम सब जब पास लोग स्वीकार कर जाइ छी हमरा सबके आंदोलन जारी रहते अहाँ के जहिया हमरा सबके जे इशू छै प्रत्येक घर घर में प्रत्येक जनता लग पहुँच जेतै अहाँ के ओ दिन में हमरा सबके जीत अवश्य अहाँ के हेतै अहाँ के जेना जी संविधान सभा के में जे आयोग बनले पुनर्संरचना आयोग ओहिमे भूपेन्द्र झा जी सब रहे ई आयोग कतौ ने कतौ तो ई तो स्वीकारल कि ने या ई जिला सबके भूभाग जे छै से मधेश छै ओकर नाम देने रहे अवध मिथिला कोच मधेश तो अन्य अन्य भाषागत छोड़ दिल जाए तो मधेश तो छै तो मधेश तो स्वीकार नहीं रहे वो आयोग स्वीकार नहीं रहे नहीं अहू अहाँ जी बात कहली नहीं अवध मिथिला माने अवध मिथिला अहाँ के कोच अहाँ के मधेश अहाँ के तो वही आवे के चाहिए नहीं हमर कहबे कि हम सब मधेश के कहाँ लकेली हमरा सबके तो ई रहे कम से कम मिथिला मधेश करू अहाँ के मिथिला भोजपुरा मधेश करू हम सब तो मधेश के पूरे छोड़ कर जरा अलग कर जाए के पक्ष में हमू सब नहीं छी हमरा सबके छे हमरा सबके जो संस्कृति जो पहचान छै वही के जोड़ के लग जाऊ अही के बाद से अहाँ के भोगन झा सर के जे अपने जो हमारे प्रतिवेदन रहे ओहू में लिखल है जे मैंने अहाँ के कोच मधेश भोजपुरा मधेश तो वही के स्वीकार कर जाए के चाहिए सबके समस्या ई रहे जे अहाँ सबके आरो चीज से कोनो लेना देना नहीं रहे मधेश शब्द से बेसी एलर्जी रहे नहीं नहीं मधेश सबसे नहीं मधेश सबसे तो एलर्जी की अहाँ के हम सब ये तो तराई में रहे छी मधेश में रहे छी तो हमरा सबके उतबे अहाँ के हमरा सबके 22 जिला के हेतै तो कोनो कुछ नहीं कहे चल निश्चित रूप से 8 जिला अहाँ के मधेश के मिथिला के भूभाग छै अहाँ के अइ में पूरा होबे के चाही आब अखन त हम सब कतौ पिछड़ गेली अहाँ के त ई मन कुछ मधेशवादी दल सब तथा कथित अहाँ के अइ के अहाँ के अभी अइ प्रदेश में जाति पाति के बाँट के अहाँ के जनि फना जाति के भली चिना जाति के भ गेलै तो सत्य बात छै ना नहीं सत्य बात नहीं छै अहाँ के मिथिला सुनू मैथिली नहीं मैथिली भाषा अहाँ के विशुद्ध रूप से अइ 8 जिला में बोलय वाला सबके वो अहाँ के यादव हो चाहे सावजी हो चाहे डोम हो चाहे दुसाध हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कास्ट हो सबके बोलय वाला भाषा है भाषा के टोन में तक प्रत्येक 5 किलोमीटर में भाषा के 10 किलोमीटर भाषा के टोन टोन फरक भाई है अहाँ एत से मैंने कथी कहे नेटा चीज जाओ तो के भाषा देखियो एत भाषा देखियो तो फरक है अहाँ के एत से अहाँ कमला साइड में जाओ 15 किलोमीटर के दूरी पर तो के टोन में फरक है टोन में फरक होना अलग बात है अहाँ के लेकिन भाषा अहाँ के भाषा तो सब अहाँ के मैथिली है एतः मघी कहाँ चलें अहाँ के मघी के जो बात करे मघी तो अहाँ के गंगा वही पार के भाषा है अहाँ के प्राचीन अहाँ के मगध प्रदेश के भाषा चले हम सब मगध के बासिंदा नहीं ना अहाँ के हम सब तो अहाँ के एतः मिथिला के बासिंदा छी वा नेपाल के तराई मधेश भूभाग से हम सब बासिंदा छी अहाँ के कि तो अपना के स्वीकार करय पड़े एना छै ना यदि प्राचीनतम इतिहास के देखबै तो मिथिलो के सीमा कोनो सब दिन थिरे तो नहीं रहल छै कराल जनक के बाद में तो मिथिला अहाँ के एक किस्म से विलीन अवस्था में पहुँच गेल तै दुआरे कोनो जरूरी नहीं जे पुरनका इतिहास के लोग खोजित रहे आ उनके पासा जात रहे नव इतिहास निर्माण भेले नहीं नहीं ना नव इतिहास इतिहास तो इतिहास तो नहीं मिटी छै अहाँ के इतिहास जैसे मिथिला के अहाँ के हम सब भी अहाँ के सीता के मायने के जाय छी जनक के मायने के जाय छी अहाँ के तो जानकी के मानबे करै छी तो मिथिला के नहीं मानबे ई बात अहाँ के हमरा नहीं लगैए अहाँ के कि तो जानकी के नहीं मानय पड़ल नहीं अहाँ जानकी के स्वीकार करै छी आ जानकी के राजधानी के स्वीकार नहीं करबै मतलब अहाँ सबके लेल मिथिले अपरिहार्य रहे एकदम हाँ एकदम अभियो छै अहाँके भविष्य में रहते ओहि समय में जखन अहाँ के वोटिंग होइत रहै तै समय अपरिहार्य रहे नहीं अपे रहबे कर हमरा सबके तो अंगणित से नहीं पहुँचल अहाँ के नहीं भेल अहाँ अंगणित अहाँ के पास में कि अहीं के सांसद सब फ्लोर क्रॉस कर गए सब नहीं फ्लोर क्रॉस हमारे साथ नहीं अहाँ के हुनका सबके तो ई लगल अब जो वीरगंज बारा पासा के साइड के जो हमरा सबके अहाँ के मिथिला अहाँ के हम सुनै छी सबके मिथिला के नाम पर नया औपनिवेशिक शासन सत्ता जनकपुर वाला चलाव चाहिए से लगल ओकरा सबके दूर ओकरा सबके एटा ई छलै अहाँ के हम सब अहाँ अपने सांसद के कन्विंस नहीं कर सकै छियै तो अहाँ दोसर के की कन्विंस नहीं ये तो अपने सांसद के बात नहीं छै अहाँ के ये तो बात छै अहाँ के मिथिला के अइ में अहाँ के मिथिला में अहाँ के सब पार्टी के सांसद अबै छै अहाँ के अइ मात्र कांग्रेस से एकानी जोड़ दिया कांग्रेस किया फ्लोर क्रॉस कल के
कौन कांग्रेस कांग्रेस के सांसद सब किया फ्लोर क्रॉस कल के फ्लोर एमे एक अहाँ के हुईप नहीं लगे बात अहाँ के मालूम यहाँ के दोसर में वही जे जे भूभा के क्रॉस कल के यहाँ के बारह परसा के उस अपना के नहीं मानी यहाँ के उस सब तो अहाँ के राजधानियों में कल नहीं उस राजधानियों के स्वीकार नहीं कल जलपुर धाम के सब स्वीकार करने चाहिए नहीं करने चाहिए उस तो दोनों के स्वीकार नहीं करने राजधानी के स्वीकार करने चाहिए आ नहीं उस अहाँ के मिथिला के स्वीकार उस पूरा अहाँ के मधेश में मतलब वहाँ बहुत के टूट आये बहुत के विचार आये छे हमू कह रहा छे हमरे संतुष्टि कह दिए ना मिथिला रा अहाँ के नामो चाही मिथिला जी भाषो चाही मैथिली कैलाकि जनगणना रिपोर्ट तो कहै छै ना जे प्रदेश के सबसे बेसी बोला जाए वाला भाषा प्रदेश के भाषा होतै तो मैथिली चाही जनकपुर अहाँ के राजधानियों चाही और बाद बाकी जे भूभाग में राजनीति भेल छै ओकरा अहाँ अस्तित्व के स्वीकार नहीं करबै तो सबसे तो बढ़िया अहाँ अपने अंगन में बना लिया ना मिथिला प्रदेश किया भूभाग भूगोल खोज रहल छी ई अहाँ के तर्क अहाँ के कुतर्क भेल की अहाँ के तर्क सब समझ लै छी अहाँ के सब चीज अहीं के चाही अहाँ के जनकपुर अइ लागी चाही जे दुनू अहाँ के सप्तरी से लक परसा के बीच में भूभाग बीच में जनकपुर पड़ै छै अइ के लागी मध्य भाग में पड़ै छै त लागी जनकपुर चाही अहाँ के नामकरण में अहाँ के इहे मध्यस्थवादी दल सब जतः मैंने लुम जतः बुद्ध भगवान के जन्म भेल छै ओहि जन्म स्थल लुम्बिनी के अहाँ के लुम्बिनी प्रदेश स्वीकार करने तैयारी छै कि ओ मधेश नहीं छै अहाँ के ओतः अर्घ चाहे नहीं ओतः अहाँ के जे बुद्ध भगवान के अहाँ के जन्मस्थल लुम्बिनी छै तो ओकर जन्मस्थल के अहाँ स्वीकार करबै आ जानकी के जन्मस्थल के अहाँ स्वीकार कैसे करबै एहू के स्वीकार करके चाहिए एक बात हमसे फ्लेक्सिबल भ के अहाँ के किस अहाँ के मैंने कि भोजपुरा के अहाँ के मिथिला भोजपुरा दुनू हो अहाँ के मिथिला भोजपुरा मधेसे हो हमसे सांसद जो भोजपुर यदि भोजपुरी साइड के बात करबे जी जी अहाँ जना स्वीकार ले ली अही के एजेंडा के नहीं स्वीकार लगे हम तो पहले कहलिए अहाँ के जाति अहाँ के जातिगत रूप से विखंडन हम सब जिला जिला में विखंडन पूरा भगल छी अहाँ के हम सब पार्टी के रूप से पूरा विखंडन छी जे चुनाव भेल रहै जी जे चुनाव भेल रहै ना देउबा वर्सेस निधि अहाँ के वर्सेस राम सरोज वर्सेस कृष्ण यादव ई एकर प्रभाव देखाइ नहीं 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 एकर प्रभाव एकदम ही नहीं छै अहाँ के एहिमे बारह परसा के सांसद सब अहाँ के एकजुट पूरा भऽ गेल छै अहाँ के बुझलिए आ एहिमे और एम्हर के सब किछु अहाँ के पूरा पक्ष में छलै रहि गेलै बात के हम पहिने कहली अंगणित में अंगणित हेर फेर होइत रहै छै अहाँ के काल्हि अहाँ के विगत में अहाँ के जकरा दू सीट आयल रहै वहाँ के सह सीट पर जाए जरा सही अबे दू सीट पर जाए अहाँ के तो हमारे लविंग हमारे अभियान अहाँ के पूरा जारी रहते अहाँ के बुझलिए हमसे इस हतोत्साहित नहीं अभियान रहते 10 वर्ष से 20 वर्ष से 25 वर्ष से अहाँ के किसी एक अभियान है अहाँ के है ना एक अहाँ के नामांकन के लाइज अभी तुरंत बहुत देखने होबे जे आई अहाँ के मानू 70 वर्ष पहिने अहाँ के चाहे 200 वर्ष पहिने जकर नाम छे फैजाबाद ओकर नाम अयोध्या पड़ गई है योगी जगह नहीं खट्टर नहीं के पहिने अहाँ के बम्बई छलो ना मुंबई पड़ गए बहुत एहन स्टेट से इंडिया के जकर नाम अहाँ के पूरा चेंज भग गया अहाँ के बुझलिए तो एतो अहाँ के नेपालों में अहाँ के बहुत एहन प्रदेश जकर चेंज हेतु अहाँ के कि तो अहाँ के अहाँ इो भ सकैए जब लुम्बिनी प्रदेश है काल्हि पश्चिम मधेश भ जाए बुझलिए काल्हि अहाँ के मान विराटनगर एक नंबर प्रदेश अहाँ के काल्हि अहाँ के पूर्वी मधेश भऽ जाए मध्य मधेश भऽ जाए इहो भऽ सकै छी अहाँ के काल्हि इहो भऽ सकै छी कि नहीं अहाँ के एकरे नाम मिथिला भऽ जाए अहाँ के लोक अपन अभियान में सब लागल रहते अहाँ के नहीं तो बात नहीं छै अहाँ के बुझलिए जे अपना के मधेशवादी दल कहै छै ओ अपना अभियान में लागल रहते जे एतय के अहाँ के संस्कृति के पहचान के बचाबे लागी चाहै छै जे इतिहास के ओ अपना अभियान में लागल रहते एक बात कहूँ ना केवल तो अहाँ सब जन अंगणित के बात कर रहल छी यदि लेबे के बात हेतै ना दोष दोषारोपण या जस अपजस लेबे के बात होते तो अहाँ सब के अहाँ अपना सब अहाँ मानू ना अहाँ के बात करी तो मिथिला नहीं भेलै ओहिमे कते दोषी अपना के मानै छी नहीं दोषी तो हमसब मानबे करै छी अहाँ के हमसब अहाँ के प्रत्येक जन जन में और अहाँ के प्रत्येक अहाँ के माने एत के अन्य पार्टी के सांसद सब के हम सब समझाबे नहीं सकली हुनका सब के अपना पक्ष में लाब नहीं सकली अपना पार्टी के सांसद के समझाबे नहीं सकली नहीं अपना पार्टी के तो सब यहाँ ना बुझलिए जे हमरा सब के जमा 19 टा तो सांसद छै अहाँ के नेपाली खाए के तई में अई जिला के अहाँ के सरलाही तक के तो सब लगभग हमरा सब के वोटे देने छै सरलाही से उम्हर के जे अपना के कहै छी हमसब मिथिला में नहीं छी सरलाहियों के बहुत सांसद नहीं जाए अब एक नहीं होते हैं क्या अभी तो जब ये भाई से अहाँ के है ना तो उसमें अब विभिन्न कारण से अहाँ के उस अहाँ के नहीं देने भ सकिए तो हमरा सबके अधिकांश सांसद देने ही छे अहाँ के क्योंकि अहाँ के अन्य अन्य पार्टी सबके सेहो देने छै उम्हर देने छै इम्हरो देने छै ते लागी नहीं छै हाँ हमरा सबके किछु कमी कमजोरी छै जे हमसब अहाँ के हुनका सबके अहाँ के नहीं अपना पक्ष में नहीं लाबे सकली कमी कमजोरी छै लेकिन हमसब एहिसँ अहाँ के हतोत्साहित निराश नहीं भेल छै अहाँ के मतलब जेना सत्ताधारी दल सबके बीच में जी जी अखन तो सरकार के अहाँ सब एकटा प्रमुख अंग छिए जी जी तो सत्ताधारी दल के बीच में कहियो मुख्यमंत्री बजा के अहाँ सबके बीच में छलफल भेल कि नहीं
नहीं मुख्यमंत्री बजाय के छलफल अहाँ के अनेको बेर छलफल हमरा सबके अड़ान हुनका सबके अड़ान छलै मध्य प्रदेश हमरा सबके अड़ान छलै जे नहि एहिमे थप ओहिमे जोड़ू मिथिला मधेश करू मिथिला भोजपुरा मधेश करू लेकिन ओ सब तैयार नहि भेलखिन हुनका सबके अहाँके अपन आब माने अंकगणित हिसाबसँ हुनका सबके छलै जे हमसब पूरा माने बनबे करब आओर हुनका सबके पश्चिमी साइडके बारा पर्साके सांसद सबके सेहो पूरा सपोर्ट छलै हिसाबसँ ओसब पूरा विश्वास छलखिन जे हमसब माने हमरा सबके ई पास भऽ जायत बुझलिए आओर ओहिमे ओसब सफल भेलखिन लेकिन हमसब तऽ अभियो कहि चुकल बार बार अहाँके अहाँके कहि चुकल छी जे हमसब एहिसँ अहाँके पीछा नहि छी अहाँके हमरा सबके अभियान की जारी रहत बुझल जाय ने एना एकरा एकरा एना बुझल जाय कि एक प्रतिशत दोसर धक्का निधिजीके लगलै सेहो मानल जाय नहि नहि नीतीशके धक्का केना लिया नीतीशके एना एजेंडा कोन एजेंडा मिथिला हुनकर एजेंडा केना भऽ सकै छै अहाँके मिथिला तऽ पूरा मिथिलावासीके एजेंडा छै अहाँके नीतीशके एजेंडा नहि छै अहाँ हुनको एहिमे समर्थन छलै अहाँके एना लिया अहाँके विनय निधिके एहिमे समर्थन छलै हुनकर एजेंडा नहि छै डिजाइन बनायल गेलै ने संविधान जखन जारी होइत रहै तऽ मधेशके कोनो हिसाबसँ अस्तित्वके स्वीकार नहि कयल जाय मधेशके दण्डित कयल जाय ताहि दुआरे आठ जिला लायल जाय आठ जिला भऽ जेतै तऽ हमरा सबके सुगम हैत नामकरण सोचे सुन आठ जिला लाबऽके सोच अहाँके विनय निधिके नहि छै अहाँके ई सब पार्टी नेता हम कहै छी महेन्द्र ठाकुरके संविधानके स्वीकार नहि स्वीकार नहि करबै अहाँ ओहिके लागि सत्तामे गेलियै अहाँ ओहिके लागि अहाँ पूरा मन्त्री बनै छी अहाँ सांसद बनै छी तऽ स्वीकार नहि कऽ हेतै अहाँके जे संविधानके स्वीकार नहि कऽ जकरा अहाँ जलबै छी आओर ओहिके मानिके अहाँ सत्तामे आ जाइ छी अहाँके अहाँ प्रत्येक भोग विलास अहाँ पूरा करै छी ओकर पूरा उपयोग करै छी अहाँके आओर तब अहाँ नहि स्वीकार करबै तऽ होतै काल्हिके दिनमे तऽ अहाँ आइ स्वीकार नहि केलियै आब तऽ राजीनामा दऽ देबै अहाँ सब सरकारमे सँ नहि नहि एना नहि नहि यदि अहाँके उपेन्द्र यादव यदि केन्द्र राजीनामा दऽ देतै अहाँके हुनका सबके छै ने हमरा सबके मांग पूरा नहि भेल अहाँके तऽ हमसब एतऽसँ राजीनामा दिया देबै हमरा सबके मांग इश्यू एकटा बात छै अहाँके आ राजनामा देनाइ एकटा अलग बात छै हमरा सबके अहाँके नेपाली काङ्ग्रेसके चाहे मिथिलाञ्चलके ई एकटा अलग एकटा भेल इश्यू भेलै अहाँके जाहिमे अब अनिवत ओसब अपन काज करैत रहतै लेकिन राजनामा देनाइ एकटा अलग बात छै अहाँके फील्ड बनल नहि फील्ड हँ एकदम बनल अहाँके हमरा सबके इश्यू छै अहाँके इश्यू हमसब पूरा काज करबै यदि अहाँके विभिन्न जे मांग जे रखै छी कि अभी तक लग कहै छी उपेन्द्र यादव चाहे महेन्द्र ठाकुर जे हमरा सबके मांग पूरा नहि भेल तऽ अभियो हुनका सबके पार्टी सरकारमे छै अहाँके नहि जाइके चाही नहि ताहि चलते एहि दुनूके छोड़ि दिऔ अहाँके दुनू अलग अलग चीज छै अहाँके सत्तामे जाकऽ अहाँके जाकऽ अपन लागि अपन इश्यूपर काम केनाइ एकटा अलग बात भेलै आ सत्तामे रहनाइ एकटा अलग बात छै अहाँके ताहि ओहिके चलते हम छोड़ि कऽ चलि जायब माने ई बात नहि छै लोक तऽ ई कहि रहल छै जे मिथिलाके जे पक्षमे वोट घटलै ने जी ओहिमे अहाँके आ राम सरोज जीके सबसँ बेसी योगदान एहि दुआरे जे किछु दिन पहिने लिस्ट निकललै जे जे मन्त्रालयके अहाँ सलाहकार छियै ओहि मन्त्रालयसँ एकटा लिस्ट निकललै योजनावला ओहिमे सम्पूर्ण अहाँके वार्डसँ बचलै तऽ बाहर गेलै बाहर गेलै मन्त्रीजीके वार्डमे गेलै तऽ ईसब कारण जे भेलै ने जाहिके कारणसँ लोकसब ई बुझलकै दोसर प्रदेशवला जे जँ इहे पद्धति उपनिवेशिक शासनके यदि कायम रहतै तऽ हमरा सबके तऽ विद्रोह करऽ पड़तै तऽ ओ विद्रोहके अभिव्यक्ति छै ई सरासर अहाँके गलत आरोप छै अहाँके कोनो लिस्ट नहि निकलल छै यदि कोनो लिस्ट मन्त्रालयके यदि कहीँ कोनो अधिकारीके लिस्ट छै तऽ अहाँके बात कहऽ पड़लै अहाँके बुझलिए ओहिके लागि हमसब अहाँके हरेक सजाय भोगलाइ तैयारी छी मन्त्रालयसँ कोनो लिस्ट नहि अहाँके निकल छै अहाँके केना चलि रहल छै जे सब आदमीके योजना पड़ि जाइ छै ओ अहाँके विपक्षी सबके अहाँके विपक्षी सबके अहाँके एकटा खजेन्द्र छै अहाँके जे कम्प्यूटरमे टाइप कऽ कऽ अहाँके पूरा आनि देने छै यदि ओ लिस्ट कहै छै अधिकारी रूपसँ अहाँके यदि मन्त्रालयके लेटर पेडमे छै मन्त्रीजीके कहीँ सही छै आ ओतऽ हमर कहीँ सही छै अहाँके ओ देखा दिए हमसब ओकर अहाँके सहायक भागी भोगलाइ तैयारी छै अहाँके ई मात्र बदनाम करऽके एकटा उपाय मात्र छै एतेक दिन लिस्ट नहि छलै अहाँके लिस्ट अहाँके कहाँसँ अहाँके हम की कहै छी अहाँके सुनि अहाँके ई योजना अहाँके आइ पास भेल अहाँके योजनाके आषाढ़ एकत्रके पास भेल छै अहाँके ई आषाढ़ एकत्रके पास भेल छै अहाँके ओ रेड बुकमे आयल छै अहाँके संसदसँ पास भेल छै एहिमे अहाँके जीवनाथ चौधरीके आ मन्त्री रामेश्वर यादव जीके एहिमे कोनो अहाँके लेना देना नहि छै अहाँके प्रत्येक पार्टीके सांसद एहिके पास कयने छै बुझलिए हँ मन्त्रीजीके ई क्षेत्र छै ई जिला छै अहाँके एतऽ योजना बेसी छै अहाँके हमसब तऽ मात्र एहि जिलामे अहाँके लगभग 20-25 करोड़के योजना छै अहाँके भौतिक पूर्वाधारके बुझलिए एहिसँ विगतके मन्त्रीके अहाँ देख लियौ अहाँके जितेन्द्र सोनल जीके पालामे अहाँके लगभग अहाँके 1 अरबके योजना अहाँके 12% नहि 12% छलै सुनि कहिए अहाँके जितेन्द्र सोनल जी 1 अरबके योजना 12% लगल छै अहाँके अखन तो अहाँके जैसे अहाँके सामाजिक विकास मंत्री अहाँके हुनकर हुनका क्षेत्रमे जाकर देख लियौ अहाँके 1 अरबसँ बेसी योजना ओतऽ छै अहाँके बुझलिए एहिसँ पूर्व छलै अहाँके वन मंत्री हुनकर देख लियौ अहाँके 1 अरबसँ बेसी योजना अहाँके सलाहीमे छै तऽ हिनका मात्र 20-25 करोड़के योजना जतऽ मंत्रीके अपन घर छै अहाँके ओ अपना क्षेत्रमे लगेलै तऽ कोन बड़का अहाँके अन्याय कऽ देलकै अहाँके कहू
लेकिन सबसे बेसी ठीक है अन्याय नहीं कल के, लेकिन सब अहीं के आदमी के उपभोक्ता समिति में क्या पड़े, एकदम पूरा गलत रहा है यहाँ के हमार आदमी लिस्ट नहीं है, एकदम सत्य नहीं है यहाँ के, वो यदि लिस्ट यहाँ के यदि कोई प्रमाणित कर देते हैं यहाँ के तब सजा भोग लगे हम तैयारी से, मतलब वही लिस्ट में जे आदमी के नाम से वो नाम रहे नहीं रहे लेकिन वो आदमी के नामों नहीं है वो, मतलब नहीं नहीं हम सब कोई लिस्ट जारी करने नहीं यहाँ के, एकदम पूरे एकदम गलत बात है, हम सब कोई लिस्ट जारी नहीं करने संसद से पास भेल अहाँके पूरा योजना छै, आ भ सके कि आब ओहि आदमी के ओहि क्षेत्र में पड़ल हेतै अहाँके चाहे कोई बंदा में कला पूरा अपन कयने हेतै, लेकिन मंत्रालय से अहाँके कोनो किस्म के लिस्ट जारी नहीं भेल छै, लेकिन कहते रहल छै जे मंत्री कहलक तऽ बहुत कहलक तऽ बहुत किछु कहै छै, कहलक तऽ बहुत किछु कहै छै, कोई ओतऽ बिका गेल कोई ओतऽ बिका गेल कोई ओतऽ ई भऽ गेल, ओहि कहके पछाड़ी नहि जाउ ने, मतलब नहि वएह तऽ ओ मतलब ओ लिस्ट में जे आदमी के नाम छै ओ योजना ओकर नहि छै, हाँ नहि छै अहाँके एकदम नहि छै, नहि हेतै हाँ नहि हेतै, ओ तऽ स्वाभाविक छै ने हरेक मंत्री लऽ जाइ छै तऽ ओहिमे कहीँ पड़ल है, नहि पड़ल भऽ सके कोनो हमरा घर लग के कोनो योजना हेतै अहाँके तऽ हम ही पैदल लिस्ट बात नहि ने छै अहाँके, ओहि ओहि रोड पर बहुत आदमी के घर हेतै अहाँके बुझलियै, लेकिन ओ लिस्ट जारी नहि भेल छै अहाँके एकदम एकदम बुझलियै 100% कोनो लिस्ट जारी नहि भेल छै, सब बेर मतलब विवादित विवाद में अहाँ किया पड़ि जाइ छी से नहि बुझऽ चलि रहल छै, एहि लागि कि हम एतऽ के हम पार्टी के लागि हम जनता के लागि हम काज करै छी तऽ लागि ओतऽ के एतऽ के किछु लोक सबके अहाँके हम पूरा अखरै छी आ हमरा विवाद मे लाबि दै छी, आ हमरा लगै कि हमरा जते विवाद मे लबै छै हमर हाइट ओते पूरा बढ़ि रहल छै अहाँके, हम ओहन विवादित ओहन कोनो गलत काज हम करबे नहि करै छियै, तऽ लागि एतऽ के जनता के अहाँ देखैत होबै अहाँके हम विवाद मे छी तऽ हम तऽ चुनाव जितबे नहि करितियै अहाँके, हम सब हारि गेलियै अहीं जीत गेलियै, नहि नहि जमा 10 आदमी जितलियै अहाँके हमसब बेसी वोट सँ हारल छी अहाँके, जमा अहाँके 140 वोट सँ रामसुदाजू पूरा हारल छथिन अहाँके, यदि 70 वोट यदि हमरा सबके उम्हर से हमरा आयल रहती अहाँके तऽ हमसब पूरा जीतल रहितियै, बुझलियै जतऽ अहाँके पूरा सत्ता के एक पक्ष अहाँके प्रधानमंत्री से लऽ कऽ सबचीज एक तरफ छलै बाकी आओर सब एक तरफ छलै, तऽ ओहि हार के हमसब हार नहि बुझै छी, ई पार्टी के आंतरिक चुनाव छलै बुझलियै, ई आंतरिक चुनाव मे अहाँके चुनाव भऽ गेलै अहाँके सब बिसरि गेलै अहाँके के हार जीतलै मने एहिसँ कोनो मतलबे नहि छै, हमसब पूरा एक छी बुझलियै, तऽ चलते हम ओ अहाँके दिमाग चलते खाली विवाद मे रहै छै, विवाद मे लाबऽ वला एतऽ किछु आदमी किछु व्यक्ति मात्र पूरा काज करै छै, यदि जिमा चौधरी विवाद मे लाबऽ के यदि ओहने विवाद कोनो काज करतियै तऽ जिमा चौधरी एहि अवस्था मे अहाँके जसपा के सरकार बनै छै ने, जसपा राजपा लोसपा कोन कोन अखन पार्टी फुटैत रहै छै बनैत रहै छै, ताहि दुआरे ओहूमे अहाँके प्रभाव देखाइ दैए, ओहूमे अहाँके बजट भेट जाइए, कांग्रेस के हरेक बजट भेट यऽ ने, अखन जेना नगरपालिका से अहाँके बजट भेटल अइ मैथिली विकास कोष के, वर्तमान जितेंद्र सोनल जी मंत्री रहे तो ओहू में पैसा भेटल है, वह जाके अपने के ओ शिलान्यास कल अखन तक खैर अही के सरकार है, तो हर एक चीज में अहाँ सेट किया भजाई छे, हमरा भजाई छे नहीं, हमरा एकटा बात अहाँ कहू ने, जे कोनो मंत्री जे बनै छै तो एकटा पार्टी लागि मंत्री बनै छै, ओ अपना पार्टी के नहीं ओ मंत्री से अलग अहाँ के अपना पार्टी के छै, मंत्री गेला के बाद सब पार्टी के, हाँ अपना पार्टी के कुछ बेसी अहाँ के देख सकैए, लेकिन सब पार्टी के अहाँ के पूरा सब पार्टी के आदमी के अहाँ के कार्यकर्ता के नेता के और उनका देखना अहाँ के जरूरी रहै छै, अहाँ के हम ही सब अहाँ के अभी एतऽ पहिल सरकार में सत्ता में छी अहाँ के चाहे केन्द्र में छी, तो सब पार्टी के आदमी के हमसब ओतऽ संबोधन करै छी आ सबके ओतऽ योजना जाइ छी, अहाँ के मैथिली विकास कोष नेपाली कांग्रेस के संस्था नहीं छै, अहाँ के एकटा स्वतंत्र अहाँके जिला विकास समिति द्वारा स्थापित संस्था छै, ओकरा भवन के अहाँके बजट के काम छलै, हमसब मांग कयली अहाँके प्रदेश सरकार से तत्कालीन अहाँके भौतिक योजना मंत्री चंद्र सोनी से, ओ हमरा सबके योजना देख कऽ ओ प्रभावित भेलखिन आ ओहि पैसा मे रखलखिन लगभग 70 लाख रुपैआ अहाँके, ओहिके बाद मे अभी के अहाँके सरकार अलै अहाँके हुनको हमसब कहली तऽ ओ अहाँके रामसुर दाजू बजट नहि छै, हम की कहली कि रामसुर दाजू के मंत्रालय से अहाँके ई संसद से ई पास भेल अहाँके रेड बुक मे आयल योजना छै, अहाँके कोनो हुनकर अहाँके जे कभी अबंडा मे सच कोनो चीज से नहि, रेड बुक में अहाँ के संसद से पास भेल अहाँ के बजट में से अहाँ के योजना उपरल छै, ये कोनो मंत्री जी के देन अहाँ के देल निकल हम ई बात हम नहीं कहबै, अहाँ के जेना बेसी भगल बेसी केना भेल छै हमरा कहू, जेना बेसी ई भगल छै जी जी भवन में पैसा दै छै, वही सड़क में पैसा दै छै, वही एरिया के पैसा दै छै, तै से बुझाय छै लोक के जे जीवनाथ जी के सरकार छै तै दुआरे एहि हिसाब से बेसी दै छै, हमर कहब कि लोक के बुझाय छै तऽ लोक के बुझाय के हम की करबै, जतय कही भवन बनलै तऽ ओतय की ओतय रोड नहीं बने, चाहे ओतय रोड बने 10 वर्ष के बाद में कहीं कतय लिखल छै से कहू, तो ओतक रोड ओतः अहाँके ज्ञानकूप इसकुल सेहो छै अहाँके, जे हमरा लगे कि नेपाले के सम्भवतः अहाँके सबसे पुरान अहाँके वा दोसर तेसर पुरानमे अहाँके इसकुल हेतै अहाँके, ओहि रोड से ओहि इसकुल के सेहो पूरा फायदा छै, ओतः के बासिंदा के सेहो फायदा छै अहाँके, ओहि रोड में अहाँके जनकपुर के सबसे अहाँके प्रसिद्ध तीर्थस्थल अहाँके बिहार कुण्ड सेहो छै, अहाँके सीताकुण्ड सेहो छै, ओहि रोड से तऽ सबके फायदा छै ने, अग्निकुण्ड सेहो पड़ै छै अहाँके, तऽ मात्र अहाँके ओतऽ मैथिली विकास कोष से मने खेलाइ देखाइ जीवना चौधरी तऽ मैथिली विकास कोष मे आइ छै काल्हि नहि रहतै, अहाँके संस्था तऽ सब दिन रहतै ने, आइ नहि रहबै काल्हि रहबै,
या काल नहीं आई उतना छिके आवे में आप लोग तक आजीव नहीं रहते नहीं नहीं आप भ सके आगे यदि ओकर सदस्य आके चाहतिन कि जीवन चौधरी आजीव नहीं रहे आगे तो हम रह सके छी आगे बुझली ओके आके पारतंत्रिक आके हिसाब से आके में छनोट होई छी बहुमत से होई छी आगे बुझली यदि ओय में के बहुसंख्यक संख्या आगे जना अभी केना मध्य प्रदेश भगल बहुसंख्यक से यदि बहुसंख्यक सदस्य आगे के ई विचार कि जीवन चौधरी पुनः अध्यक्ष बने फिर हम रहबे आगे चल धन्यवाद अपनों के धन्यवाद।